तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मतलब कल या परसों के एपिसोड में बिग बॉस के घर में जो है मीडिया की एंट्री होने वाली है, बट इस समय सोशल मीडिया पर एक बात जो है वो फैल रही है कि भाई मुनव्वर को एक सवाल पूछा गया जो कि कहीं ना कहीं नज़ीला को लेकर था, और क्यों ये सवाल पूछा गया और किस लिए भाई, मतलब जिस ढंग से पूछा गया के हिसाब से तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कौन ज़्यादा फेमस था, मुनव्वर या नज़ीला। तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कामदो। आपको बता दें कि भाई मुनव्वर से जो है, मतलब एक हिसाब से जो ये मीडिया राउंड हुआ है इसमें तीन ही लोगों से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, अंकिता, दूसरा विक्की और तीसरा मुनव्वर। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि एक हाइप जो है ना वो अलग लेवल की बिल्ड हो रही है, क्योंकि जब भी मीडिया जाती है तो उसके बाद घर के अंदर जो कलेश होते हैं ना वो डिफरेंट लेवल के होते हैं। जब सवाल जवाब वाली बात होती है, जब चीज़ें पता चलती हैं बहुत सारी कि भाई इनको लेकर ये चीज़ बोली गई थी या इनके बारे में ये ओपिनियन बाहर चल रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें। फिलहाल मीडिया जब घर के अंदर गई थी तो उन्होंने मुनव्वर से एक सवाल पूछा कि आप हमेशा से मतलब बिग बॉस आना चाहते थे, ये आपने एक्सप्रेस किया, बट घर के अंदर आने के बाद आप, जब आपका बाहर ब्रेकअप हो चुका था, आप नज़ीला के साथ सब कुछ ख़त्म कर चुके थे, तो आपने शो के अंदर आने के बाद ये चीज़ प्रिटेंड क्यों की कि आप अभी भी नज़ीला के साथ हो। बट इसका जवाब तो भाई किसी ने नीचे लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है, बट आई होप सो, क्योंकि देखो उसका जवाब बहुत सिंपल सा था कि मुनव्वर ने ये बहुत पहले ही एपिसोड में क्लियर किया है कि मैं इस चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहता था, और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लाना चाहता था कि भाई एक नेशनल टेलीविजन पे इस चीज़ का मुद्दा बने और लोग इस चीज़ को देखें। फिलहाल जैसे ही क्वेश्चन अराइज हुआ है सोशल मीडिया पे, उसके बाद लोगों के अंदर जो विलिंगनेस है एपिसोड देखने की, चाह बोलते हैं ना, उत्सुकता, वो बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से मुनव्वर ने सवालों का जवाब दिया होगा जब मीडिया घर के अंदर आई होगी। फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।